आज पूरा रायगढ़ क्षेत्र कंपनियों से भरा हुआ है। यह क्षेत्र पूरा औद्योगिक क्षेत्र हो चुका है और यह विकास अब धीरे धीरे लोगों के लिए विनाश का कारण बनती जा रही है, क्योंकि इस प्रकार की खदान कंपनी आने की वजह से लोगों की रोजी रोटी के जो साधन थे, जो वनोपज थे, अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उसी कड़ी में तेंदुपत्ता जो आदिवासी परिवार के लिए एक वरदान सा है, यह रोजगार समाप्त होता जा रहा है, जिसमें सरायपाली के भोकोदोलो एवं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पूरे सभी लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तेंदुपत्ता बहुत एक ठो लाभदायक है। गरीब परिवार बहुत अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं। गरीब परिवार साल भर में एक बार सीजन आते हैं, तब इस तेंदुपत्ता ले आशा लेके हम तेंदुपत्ता में जो भी मेहनत करते हैं वहाँ जो पैसा मिलते वह हमारे रोजी रोटी उपयोग में आते हैं। आजकल समिति बने से और वन विभाग के तरफ ले वो लघु वन उपज ल खरीदा थे सहकारी समिति बनाई से, और उमें का है साग करतन दो आदमी चार आदमी निकाल के एक दो दिन घुमा थे साग करतन हो गए। पहली मजदूर मतलब लम्बा समय काम ले मिलत रही, मजदूर कम रही। आज जनसंख्या की वृद्धि हो तो ज़्यादा आदमी हैं, ओकर बार मिलत भी नहीं है ज़्यादा। जानबूझ के काला पत्थर टोरबे कौन खरीदी, काला काबर खरीदी, नुकसान ओकर काबर हो ही। तो इस सब कारण के चलते अभी जल्दी खत्म हो जाते। बहुत बड़े बड़े कंपनी खुला थे तो जे जगह तेंदुपत्ता बढ़िया बहुत हो जगह कंपनी खोल दे थे तो हमार गरीब मजदूर मन का टोर बकी का करबो, तो हमार गरीब परिवार ला इतना नुकसान होते, हमार जीवन यापन करे बार कठिनाई जाते। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि वर्तमान पर्यावरण अधिकारी श्री शर्मा जी को 9685095442 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि पर्यावरण संबंधी यह समस्या समाप्त हो सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।